हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स आज हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर नंबर सिक्स एंड हम यहाँ पर बायोलॉजी को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं इस चैनल पे, तो वेलकम यू ऑल हियर ऑन दिस यूट्यूब चैनल विद 2023 नीट एंड मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस यूट्यूब चैनल फॉर मेकिंग योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर लेट्स द वीडियो एंड आई मेक द सोनी योर बायोलॉजी एजुकेटर ऑन दिस प्लेटफॉर्म लेट स्टार्ट आज हम क्या करेंगे आज हम पहले तो रिकैप करेंगे जैसे कि हर बार करते हैं हर सेशन के अंदर उसके बाद हम डबल फर्टिलाइजेशन करेंगे ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं मैं आपको पहले ही बता देती हूँ सो so, हम ये चीज़ करेंगे तो बी प्रिपेर एंड पूरा वीडियो देखना ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी मैं छोटा सा ही वीडियो है हमारा एकदम से देखना अच्छा डे वन से जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था मैंने कौन कौन से टॉपिक्स इसमें इंक्लूड किए थे वो मैं आपको बता देती हूँ फर्स्ट वन कि हमने देखो सबसे पहले ये इन टर्म टर्म्स का मतलब समझा था व्हाट इज़ मोनोशियस व्हाट इज बाई सेक्शुअल ठीक है जब मेल और फीमेल एक ही फ्लार में प्रेजेंट है दैट देन वी कैन कॉल इट मोनोशियस फ्लार और मोनोशियस प्लांट एंड बाई एंड हरमेफ्रोडाइट ठीक है और जब दोनों अलग अलग, अलग जगह पर प्रेजेंट है तो दे आर कॉल्ड द डायोशियस एंड यूनीक्शुअल राइट तो so, ये चीजें हमने करी थी एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लार फ्लार में कितने पार्ट्स uh, होते हैं चार राउंड्स होते हैं सबसे बाहर की साइड में आप देख पा रहे हो दिस इज सेपल ग्रीन कलर की लीव्स है पेटल दिस इज़ द कलरफुल लीवस ऑफ द फ्लार एंड उसके बाद में यू कैन सी हीयर द स्टेमिन ठीक है स्टेमिन uh, के दो पार्ट्स हैं एंथर सबसे ऊपर जहाँ पे पॉलिन ग्रीनस जनरेट होते हैं एंड देन फिलाेंट विल बी देयर राइट एंड उसके बाद में पिस्टल पिस्टल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लार एंड देर आर द थ्री पार्ट्स इन द पिस्टल दैट इज द फर्स्ट इज स्टिगमा है ना जहाँ पे पॉलीनेशन होता है देन स्टाइल एंड देन ओवेरी राइट ओवेरी से कैसे फ्रूट बन रहा है ओवेरी से कैसे लाइक फर्टिलाइजेशन कहाँ एक्चुअली में हो रहा है वो सब चीज़ें आज हम देखेंगे ठीक है कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम गाइनोशियम किसको किसको कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया था स्टेमिन का स्ट्रक्चर भी हमने देखा था बच्चों अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं हमने टी एस काट के स्टेमिन का बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर भी देखा था एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी उस लेक्चर में मैंने आपको इतना अच्छे से इतना डिटेल में समझाया था लाइक नो वन कैन ठीक है प्लीज़ गजाइए मैंने वहाँ पर एक छोटी सी पिकनिक भी अरेंज करी हुई है जिसमें जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ सकता है प्लीज़ गो एंड वॉच दैट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाला लेक्चर ठीक है फिर ये हमने कुछ टर्मिनोलॉजी समझी थी और इसकी मतलब समझा था सिन कार्पस एपो कार्पस आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू राइट डाउन दी एग्जाम्पल्स ऑफ सिन कार्पस एंड एपो कार्पस विच इज़ मैंशनड इन दी एनसीआर टी ठीक है फ्रॉम दी डायग्राम। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड नहीं पता है तो एन सी आर टी अभी खोलिए और जाके फटाफट देखिए कि नेपो कार्पस के क्या क्या एग्जाम्पल्स गिवन है राइट कॉमेंट करके बताइएगा क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं उनको रटके आना है बिल्कुल एग्जाम्पल्स को क्योंकि क्वेश्चन आते हैं ठीक है दिस वन वाज़ द एंथर का टी एस जहां पर हमने चार लेयर्स के बारे में बात करी थी सबसे आउटर एपिडर्मिस थी फिर एंडोथीसियम थी फिर मिडिल लेयर थी देन टेपिटम था टेपिटम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी जहां से माइक्रोस्पोर बन रहे थे फ्रॉम मियोसिस राइट उसके बाद में हमने पॉलन ग्रीन कैसे बना वो भी देखा मेगास्पोरेंजियम क्या होता है वो भी देखा मेगास्पोर कैसे बनता है मेगास्पोरोजेनेसिस भी हमने किया अगर आपने वो लेक्चर भी नहीं लगाया तो प्लीज गो एंड वॉच दैट लेक्चर ये एम्ब्रियोसैक का पूरा का पूरा मेल फीमेल गेमिटोफाइट है यह एम्ब्रियोसैक ठीक है इसमें तीन एंटीपोर्डल सेल्स होती हैं एक पोलर न्यूक्लियर

तो आज हम बच्चों इस वाले टॉपिक से शुरू करते हैं आ, कौन सा टॉपिक है ये ये टॉपिक है बच्चों पोलन पिस्टल इंटरेक्शन ठीक है वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इसमें एक्चुअली क्या होता है देखो मैं आपको बताती हूँ लेट्स सपोज कि यू हैव यू नो जैसे आपका पॉलन ग्रेन होता है जब पॉलीनेशन हो रहा होता है पॉलीनेशन में क्या है पोलन ग्रेन आया और क्या हो गया सीधा आके किसको किसके ऊपर आता है स्टिग्मा के ऊपर हो जाता है पॉलिनेशन इसी को पॉलिनेशन कहते हैं बट बच्चों होता क्या है कि दिस लेट सपोज दिस इज स्टाइल एंड दिस इज दी ठीक है एंड दिस इज स्टिग्मा इस स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन्स हुए ठीक है पोलन ग्रेन्स पड़े हैं लेट्स ड्रॉ पॉलन ठीक है ये लो ये कुछ पॉलन ग्रीन्स यहां पर पड़े हैं एंड यू आर नॉट एबल टू सी द पोलन ग्रीन्स लेट मी जस्ट चेंज द कलर ठीक है तो ये है बच्चों क्या पॉलन ग्रीन्स ठीक है जो यहाँ पर पड़े हुए हैं अब पता है पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इनको आ, ऐसा नहीं है कि आ, इस एक फीमेल इस फ्लार के अंदर जो ये फीमेल पोर्शन है इस स्टिग्मा के ऊपर केवल यही पोलन ग्रेन आके गिरेंगे एक या दो ही पोलन ग्रेन आके गिरेंगे इस पर अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग मेल के पोल ग्रेन आके गिर सकते हैं लेथ सपोज कि ये मैंगो प्लांट मतलब मैंगो प्लांट uh, था उसकी uh, जो फ्लावर uh, की ओवरी है ठीक है ये प्लांट की स्पीसीज़ कौन सी हो गई मैंगो तो उसकी जो ओवरी है बच्चों इस सॉरी उसकी जो फीमेल पोर्शन है उस स्टिग्मा के ऊपर आके गिरा है ये पोलन ग्रेन अब ये दो पोलन ग्रेन में से एक है मान लो मैंगो वाले का ही है ना मैंगो फ्लार था और उसी का ही क्या है आ, आ, मेल पोर्शन है जहाँ से वो पोलन ग्रेन आया है स्टेमन से ठीक है तो वो पोलन ग्रेन मैंगो वाले से अगर मैंगो वाली आ, आ, इस स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है तो क्या होता है ये सेम स्पीसीज़ का पोलन ग्रेन है ठीक है पोलन पिस्टल इंटर में होता है क्या ना जहाँ पे पोल ग्रेन एंड पिस्टल पिस्टल मीन्स दिस दिस इज़ द पिस्टल यू नो फीमेल पोर्शन ऑफ द प्लांट तो ये पिस्टल एंड पोलन इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है ठीक है तो जैसे ही पोल ग्रेन पिस्टल के ऊपर आके गिरता है वैसे ही क्या होता है पिस्टल इनसे बातें करती है पिस्टल भी और पोलन भी दोनों आपस में बातें करते हैं और ये पूछते हैं एक दूसरे से कि क्या तुम हमारी ही स्पीसीज़ की हो क्या तुम सेम ही स्पीसीज की हो आ, फिर पिस्टल कहती है मैं तो मैंगो की हूँ तो पोलन भी कहता है मैं भी मैंगो का हूँ तो दोनों में कहा अरे वाह हम तो दोनों सेम सेम हो गए हम तो दोनों मैंगो के हैं तो मतलब सेम स्पीसी के हैं और सेम स्पीसी के हैं तो फिर क्या करेंगे हम फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं मान लो कि ये दूसरा पॉलन ग्रीन ये छिड़ जाए इसने कहा मेरे तो से बात नहीं की इसने पिस्टल ने तो पिस्टल कहती है मैं तुमसे बात नहीं करूँगी जाओ तो ये पॉलन पूछता है क्यों मुझसे क्यों नहीं बात करोगी उसमें ऐसा क्या खास था जो मेरे अंदर नहीं है है ना ऐसा ईगो हर्ट हो जाता है पॉलन ग्रीन का तो फिर पॉलन फिर पिस्टल बोलती है यू नॉट फ्रॉम माय स्पीसीज ठीक है है ना तुम मेरी स्पीसीज के नहीं हो तुम मैंगो के नहीं हो तुम तो कहीं और ही दूसरे किसी प्लांट के हो तुम वहीं जाओ है ना लेट्स अकेशिया uh, ठीक है कि यू आर फ्रॉम अकेशिया प्लांट तो लेट्स गो ठीक है आप अकेशिया पे जाओ और मैं तो मैंगो वाले को ही क्या करूँगी उससे ही बात करूँगी और उसी को जर्मिनेशन और उसी के साथ ही फर्टिलाइज होंगी दैट्स इट ठीक है तो क्या होता है बेचारा अकेशिया वाला जो होता है ना ये यहीं पर आके रह जाता है और थोड़े टाइम तक यहाँ पर जिंदा रहता है उसके बाद मर जाता है क्योंकि आपको पता है पॉलन ग्रेनस की एक वाइबिलिटी भी होती है जो मैंने आपको बताया था कुछ पॉलन ग्रेन तीस मिनट जिंदा रहते हैं कुछ पॉलन ग्रेन कुछ महीनों तक भी ज़िंदा रहते हैं तो देर इज़ अ वाइबिलिटी तो थोड़े टाइम तक रहेंगे और फिर हट जाएंगे जो रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन जो रिक्वायर्ड है बच्चों वो क्या करते हैं ना आपको मैंने बताया था पोल ग्रेन की स्ट्रक्चर जब हमने करी थी तो ये पॉलन ग्रेन है सपोज ठीक है इसमें दो सेल्स हमने देखी थी एक तो ये बड़ी सेल थी और एक बच्चों इसमें ना एक और सेल थी दैट इज जेनरेटिव सेल राइट ये वाली थी वेजिटेटिव सेल लिखते थे वेजिटेटिव सेल एंड दिस वॉज द जेनरेटिव सेल क्या कर रही थी जेनरेटिव सेल जनरेटिव सेल वॉज प्रोड्यूसिंग मेल गेमिट्स है ना दो मेल गेमिट्स ये मेल गेमिट आ गया ये मेल गेमिट आ गया तो ये मेल बच्चों माइटोसिस के जरिए प्रोड्यूस हो रहे थे जनरेटिव सेल्स से ठीक है तो अब पता है आपको क्या हो जाता है पता है आपको क्या होता है जब पोल ग्रेन पिस्टल की ही स्पीसीज का होता है तो वो पॉलन ग्रेन यहाँ जर्मिनेट होता है जर्मिनेट होने का क्या मतलब है जल्दी से समझाती हूँ आपको यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन समझेंगे लेकिन उससे पहले बताती हूँ पॉलन ग्रेन एक्चुअली में जर्मिनेट कैसे हो रहा है जैसे ही पोलन ग्रेन आया सपोज दिस इज द पोलन ग्रेन तो पता क्या करने लगता है वो वो ना यहाँ से ये जो दो मेल गेमिट है और ये पीछे जो जनरेटिव सेल है लेट मी आ, कलर दिस जनरेटिव सेल है ना हम इसको इस कलर से कर देते हैं है ना ब्लू कलर की जो है हमारी कौन सी है वेजिटेटिव सेल है बड़ी वाली सेल और ये जनरेटिव सेल जो थी इसने तो बच्चों दो मेल गेमिट दे ही दिए तो ये मेल गेमिट जो है ना इसको हम बाद में बना लेंगे ठीक है तो ये हमारी जन वेजिटेटिव सेल और इसके अंदर हमारे प्रेजेंट है बच्चों मेल गेमिट ये रेड कलर से मैं दो मेल गेमिट यहाँ पर बना रही हूँ तो पता है क्या होता है उसके बाद उसके बाद ये होता है कि जैसे ही ये जर्मिनेट होता है ये पॉलन ग्रीन जर्मिनेट होता है ना वैसे ही पता है क्या होता है यहाँ से बच्चों यहाँ से ना यहाँ से ये ये जो वेजिटेटिव सेल है ये नीचे बढ़ने लगती है देखो वेजिटेटिव सेल नीचे बढ़ने लगती है वेजिटेटिव सेल जो था ना ये वाला जो ब्लू कलर से मैंने कर रखा है वेजिटेटिव सेल बड़ी वाली जो सेल थी इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो इसके अंदर बढ़ने लगता है यूं है ना इसका साइटोप्लाज्म नीचे जाने लगता है और इस तरीके से एक ट्यूब बनने लगती है आपको याद होगा जब मैंने वेजिटेटिव सेल के बारे में बताया था तो मैंने ये भी कहा था कि वेजिटेटिव सेल जो होती है उसका नाम एक ट्यूब सेल भी होता है तो ये ट्यूब के रूप में ना बढ़ने लगती है ठीक है अब ये ट्यूब के रूप में बढ़ने लगेगी तो ये मेल गेमिट जो होते हैं ना ये भी इसके साथ साथ आने लगते हैं तो मैं क्या मेल गेमिट को यहाँ बना दूँ मेल गेमिट पता है कहाँ आने लगेंगे यहाँ पर ये देखिए ये मेल गेमिट दोनों मेल गेमिट जो है यहाँ पर आने लगेंगे इसके साथ साथ में मैं इस मेल गेमिट को यहाँ से हटा देती हूँ ठीक है ये लो ये आपकी वेजिटेटिव सेल है बच्चों जो नीचे तक जा रही है वेजिटेटिव सेल ठीक है ये लो है ना अच्छे से कलर अब आप कर लेना ठीक है हम तो समझ लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट क्या है समझना हमारा कर्तव्य है ठीक है ये बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है मेल गेमिट है अब फिर धीरे धीरे और बढ़ेगी ये अब और बढ़ाते हैं इसकी इसकी पॉलन ट्यूब ना और बढ़ती है है ना नीचे पता है ये पॉलन ट्यूब बढ़ के कहाँ जाएगी क्योंकि पॉलन ट्यूब में क्या है मेल गेमिट्स हैं अब ये मेल ऑब्वियस सी बात है फीमेल गेमिट की तलाश में जा रहे हैं अब इनको फीमेल गेमिट कहाँ मिलेगा ओवीडी के अंदर देखो जरा सा ये आना जरा यहाँ पे ये जो है ये यहाँ से बढ़ रही है ये ट्यूब जो है ये स्टाइल में से जा रही है जो मैं ट्यूब बना रही हूँ उस अगली स्लाइड के ऊपर वो ट्यूब जिसके अंदर मेल गेमिट है वो ऐसे बढ़ रही है स्टाइल में से और जैसे ही हम यहाँ पर क्या लगाता है हमारा ओव्यूल लगाता है ना तो देखो मैं यहाँ पर ना ओव्यूल लगा के दिखाती हूँ आपको दिस वन इज द ओव्यूल ठीक है इस ओव्यूल के अंदर हमारा क्या रहता है बच्चों इस ओव्यूल के अंदर रहता है हमारा एम्ब्रियो सैक बनाया था हमने फीमेल एम्ब्रियो सैक जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है तो ओव्यूल के अंदर पहले तो यहाँ पर एक चीज प्रेजेंट होती है बच्चों न्यूसिलस न्यूसिलस क्या होता है एक न्यूट्रेटिव मीडियम है न्यूसिलस क्या है एक न्यूट्रेटिव मीडियम है ठीक है ये न्यूसिलस प्रेजेंट है और इस न्यूसिलस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों हमारा ओव्यूल प्रेजेंट होता है तो यहाँ पर हम बना देते हैं ओव्यूल ठीक है दिख रहा है आपको ओव्यूल है ना यहाँ पर हम ओव्यूल बना देते हैं किसी और कलर से रेड कलर से बना देते हैं। ओव्यूल है ये ठीक है यहाँ पर बच्चों आपकी एग सेल है है ना और ये तीन आपकी एंटीपोडल सेल हैं, और ये बीच में क्या है पोलर न्यूक्लिया है ये क्या है बीच वाली एग सेल है दो है सिनर्जेट सेल नीचे वाली है तीन एंटीपोडल सेल बीच में दो है पोलर न्यूक्लियाई ठीक है तो जैसे ही ये पोलन ट्यूब से पोलन ट्यूब नीचे आ रही है आ रही है आ रही है फिर आके ना ये यहाँ से एंट्री मारती है पोलन ट्यूब कहाँ से एंट्री मारेगी जरा सा एंट्री मरवाते हैं इसे है ना चलो भाई पोलन ट्यूब आओ नीचे आओ तो पोलन ट्यूब बेचारी आई यहां से है ना और आकर कहाँ एंट्री मारती है माइक्रोपाइल वाले एंड पर ये लो मार दी एंट्री इसने मैम स्टाइल तो गायब ही कर दिया आपने ये लो स्टाइल फिर बना देते हैं ना तो इसने यहाँ से एंट्री मार ली अब यहाँ पर क्या होता है इसके अंदर ना जो पोलन ट्यूब होती है इसमें दो मेल गेमिट्स भी हैं ये हमें भूलना नहीं है ठीक है तो दोनों ही मेल गेमिट्स बच्चों यहाँ पर बना देती हूँ ये दो मेल गेमिट्स दिख रहे हैं आपको दो मेल गेमिट्स बना दिए पोलन ट्यूब में आ रहे हैं अब पता है ये जैसे ही यहाँ पे आएगा इस एम्ब्रियो सैक के अंदर है ना क्योंकि सैक में ही दिस वन इज कॉल्ड एग सेल मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ठीक है हमने क्या किया पता आपको हमने किया है ये हमारा है आ, नो ये हमारा फ्यूनिकल जहां पर हमारा क्या लगा हुआ है बच्चों ओव्यूल लगा हुआ है. है ना ये कुछ इस तरीके का हमारा ओव्यूल है है ना ये हमारा माइक्रोपाई है ये हमारा चलाजा लैंड है ये कुछ ओव्यूल लगा हुआ है इस ओव्यूल में ये अंदर का पोर्शन सारा न्यूसिलस है और अंदर यहाँ पर क्या है बच्चों एम्ब्रियो सैक है ये रहा एक एम्ब्रियो सैक इस एम्ब्रियो सैक में ना बच्चों एक है मेरे पास एग सेल जिसको मैं रेड कलर से बनाना चाहूंगी दो है मेरे पास में बच्चों सिनर्जिड सेल जिनको मैं पर्पल कलर से बनाना चाहूंगी। ये लो ये जिट सेल हो गई है ना और तीन है बच्चों मेरे पास में एंटीपोडल सेल ये एंटीपोडल सेल हो गई और बीच में मेरे पास में क्या है बच्चों ये है मेरे पास में दो पोलर न्यूक्लियाई है ना ऐसा कुछ हमारे पास में सीन प्रेजेंट है बच्चों दिख रहा है आपको ये सीन प्रेजेंट होता है तो यहां पर क्या होता है दिख रहा है आपको ये है एक पर्टिकुलर एम्ब्रियो सैक जहां से पोलन ट्यूब आएगी और पोलन ट्यूब आकर अपने दोनों मेल गेमिट्स लेकर आती है एक मेल गेमिट जो होता है ना बच्चों एक मेल गैमेट, एक मेल गैमेट तो आएगा और इस एग सेल के अंदर आ जाएगा अच्छा पॉलन ट्यूब अगर ऊपर से आ रही है तो पॉलन ट्यूब को क्या पता कि मुझे कहाँ जाना है तो उसको रास्ता दिखाने के लिए यहाँ पर ये यह जो सिनर्जिट सेल प्रेजेंट है रास्ता दिखाने के लिए प्रेजेंट है पता है आपको सिनर्जिट सेल जो होती है ना इनके अंदर ना फिलीफॉर्म एपरेटस लगे होते हैं व्हाट इज फिलीफॉर्म एपरेटस कुछ भी नहीं है एक धागे जैसी स्ट्रक्चर है जो इनको रास्ता प्रोवाइड करती है ठीक है सिर्फ ये बताएगी कि कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना डायरेक्शन बता रही है तो जैसे ही पोलन ट्यूब आती है इस पोलन ट्यूब को ये बताना कि तुम्हें इसमें एग सेल में घुसना है पोलन ट्यूब आके पूछे कि कहाँ है कहाँ है मेरा एग सेल कहाँ है क्योंकि पॉलन ट्यूब में तो मेल कैमिट और मेल कैमिट तो यही चाहते हैं कि हमें एग सेल मिल जाए तो बेचारी पॉलन ट्यूब पूछती रह जाती कि कहाँ जाना है मुझे कहाँ जाना है मेरा मेन लक्ष्य एग सेल से मिलना है कहाँ है मेरी एग सेल तो फिर ये फिलिफोम जो होती है ना बच्चों ये क्या करती हैं ये रास्ता दिखाती हैं ठीक ठीक उसी तरह से जैसे एक लड़की की शादी हो रही होती है तो वो लड़की बेचारी बि, ऐसे थोड़ी सी शर्माती है है ना लेकिन उसकी जो फ्रेंड्स होती हैं वो बिल्कुल भी शर्माती नहीं है डेफ़िनेटली तो उसकी फ्रेंड्स ही क्या करती हैं रास्ता दिखाती हैं किसको जैसे उस लड़की की शादी हो रही है ऑब्वियसली एक लड़के से है ना तो वो लड़का जाता है बेचारी अपनी होने वाली पत्नी से मिलना चाहता है अब वो ऐसे तो मिल नहीं सकता वो तो आ नहीं रही बाहर तो बेचारे वो क्या कहेगा उसकी फ्रेंड्स को कहेगा कि मेरे मेरे को उससे मिलवाओ तो सेम चीज़ है पोलन ग्रीन आ रहा है वो मिलवाएगा एग सेल से इनको तो कौन मिलवाने में हेल्प कर रहा है ये फिलीफॉम ऑपरेटर्स वाली जो सिनर्जिट सेल्स होती हैं ना ये करती हैं बच्चों है, बच्चो। है ना सखियाँ होती हैं ये इस एग सेल की फिर ये इसको पोलन ट्यूब जो होती है ना वो यहाँ पर आती है जैसे ही यहाँ पर आएगी बच्चों इस सिनर्जिट सेल के अंदर आते ही पोलन ट्यूब क्या होती है जैसे ही इस पोलन ट्यूब इस एनर्जी सेल में आई वैसे ही यहाँ पे ना फट जाती है ठीक है ये देखो मैं पोलन ट्यूब ड्रॉ कर देती हूं कुछ कुछ इस तरीके से है ना ये पोलन ट्यूब आई और जैसे ही आती है फट जाती है पोलन ट्यूब और फट के क्या है इसके अंदर क्या निकलेगा इसके अंदर इसके अंदर से निकले दो मेल गेमिट्स तो वो दोनों मेल गेमिट्स यहाँ पर रिलीज होते हैं जिसमें से एक मेल गेमिट क्या होता है बच्चों एक मेल गेमिट तो इस एग सेल के साथ में फ्यूज हो जाएगा ठीक है और ये जो दूसरा मेल गेमिट है वो यहाँ आ जाएगा इस सेंट्रल सेल के अंदर सेंट्रल सेल में क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दो क्या है आ, सेंट्रल सेल में यहाँ पर दो आपके पोलर न्यूक्लिया प्रेजेंट है तो इन पोलर न्यूक्लिया से फ्यूज होने के लिए पोलन ग्रेन यहां पर आ जाता है सॉरी मेल गेमिट यहाँ आ जाता है और दूसरा वाला मेल गेमिट यहाँ चला जाता है तो बच्चों आपको पता है क्या हो रहा है इधर इधर हो रहा है डबल फर्टिलाइजेशन दो दो बार फर्टिलाइजेशन ठीक है तो पोलन ग्रेन में क्या हुआ फॉलन ग्रीन के अंदर एक तो मेल गेमिट आया ठीक है और उसने क्या किया एग सेल के साथ में फ्यूज कर लिया ठीक है ये ये हुआ एक मेल है और एक एग सेल का न्यूक्लियस एग सेल है सॉरी उसके साथ में क्या कर लिया फ्यूज हो गया फ्यूज होने को बच्चों कहते हैं सिन गेमी इसको हम क्या बोलेंगे सिन गेमी. This is And के अंदर जो है बच्चों क्या हो रहा है मेल गेमिट ने

है ना वहां पर आके एक मेल गेमिट आ जाता है और उससे फ्यूज हो जाता है ये देखो ये वो एक मेल गेमिट है जो इन दो पोलर न्यूक्लियर से आके फ्यूज होना चाहता है तो ये फ्यूज हो जाते हैं ना बच्चों तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन क्या बोल देंगे ट्रिपल फ्यूजन ट्रिपल फ्यूजन में देखो क्यों बोला ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि तीन लोगों का फ्यूजन हो रहा है ना तीन लोग फ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे तो ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा एंड ट्रिपल फ्यूजन हो जाने के बाद में बच्चों क्या बन जाता है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ना और इसकी प्लॉइडी क्या होगी ऑब्वियसली ये एन प्लस एन है दोनों न्यूक्लियस और ये एन खुद गेमिट है मेल गेमिट तो कितना हो जाएगा थ्री एन हो जाएगा तो पेन विल बी थ्री एन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये क्या हो जाएगा थ्री एन हो जाएगा और जयगॉर जो है ये टू एन हो जाएगा तो जयगॉट से तो आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा है ना आगे जाके सीड बनेगा पेन इससे जो होता है प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस इससे आगे जाके बच्चों बनता है एंडोस्पम एंडो स्पम एंडोस्पर्म क्या होता है बच्चों ये भी न्यूट्रिशन ही देने का काम करता है सीड को न्यूट्रिशन जब सीड बन जाएगा तो सीड को न्यूट्रिशन देगा एंडोस्पर्म तो ये होता है बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली में हो क्या रहा है दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है कहाँ कहाँ हुआ दो बार फर्टिलाइजेशन आपने देखा जैसे ये मेल पोलन ट्यूब आती है ये फट जाती है और ये वाले जो गेमिट है वो इसके साथ में एक्सेल के साथ में फ्यूज हो जाता है और एक मेल गेमिट इसके साथ में फ्यूज हो जाता है तो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा हमारा पी ई एन ठीक है प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस और ये जो है बच्चों ये क्या बन जाएगा जयगॉट बन जाएगा ठीक है तो डबल फर्टिलाइजेशन में देर आर द टू फिनमिनाज टेकिंग प्लेस फर्स्ट इज सिगेमी सेकेंड इज ट्रिपल फ्यूजन ठीक है दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन एंड इट ओनली हैपन्स इन इन्जियोस्पम्स एक्सक्लूसिवली राइट right. तो ये आपको जरूर से याद रखना है क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं और आए हुए भी हैं ये जो है बच्चों ये फिर बाद में जैसे ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है एंटीपोडल सेल जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं गायब हो जाती हैं एंड ये सिनर्जिड भी क्या होती हैं ये भी गायब हो जाती हैं तो सिनर्जिड विल है ना सिनर्जिड कहाँ चली जाएंगी हमें नहीं पता डिस्ट्रॉय हो जाएंगी ये भी खत्म हो जाएंगी बचेगा क्या जयगॉट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तो हमारे पास अब क्या बचा हुआ अगर मैं देखूं इसको हां जी क्या मैं इसको देख सकती हूँ अगर तो पूरा पूरा तो यहाँ पर जो है जो माइक्रोपाइल एंड की साइड में है दिस वन दिस वन इज कॉल्डॉट ये मेरा जाइगॉट बना है जो एक्सएल के साथ में फ्यूजन हुआ था दैट इजगॉट बन गया था यहाँ पे और दिस इज द राइट right. ये ये होता है एंडोस्पर्म. अब ये बच्चों आगे जाके क्या होगा न्यूट्रिशन ले लेके ग्रो करेगा ग्रोथ लेगा तो ग्रोथ इसको न्यूट्रिशन कौन देगा इसको एंडोस्पम न्यूट्रिशन नु, देगा ठीक है तो एंडोस्पम की हेल्प से ये ग्रो करेगा और आगे जाके ये जायगोट से सीड बनेगा ठीक है अब सीड फॉर्मेशन और एंडोस्पम का क्या फेट होता है एंडोस्पम कुछ सीड्स में रह जाता है ऐसे सीड्स भी होते हैं जो विथ एंडोस वाले सीड्स होते हैं और ऐसे भी होते हैं जो विदाउट एंडोज वाले सीड्स होते हैं और मान के चलो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल ऑलमोस्ट पूछा जाता है एंडोस के लिए कि कौन नॉन एंडोस्पर्मिक है कौन एंडोस्पर्मिक सीड है ठीक है ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं तो ये हम करेंगे कल की क्लास में लेकिन फिलहाल आज मैं आपको समझा रही थी डबल फर्टिलाइजेशन और मैं अपनी तरफ से पूरी क्लियर हूँ ऐसा मुझे लगता है अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तुरंत अभी वीडियो स्टॉप करो और कॉमेंट्स करो कॉमेंट करो जो भी डाउट आता है कॉमेंट करो ताकि हम आपके कॉमेंट का रिप्लाई कर सकें ये देखिए ये पोर्टल है ये ऊपर पोर्टल क्यों दिखाई गई है क्योंकि इसने क्या करा है इसको उल्टा कर रखा है मैंने उस ओव्यूल को सीधा खड़ा कर रखा था इसने ओव्यूल को ऐसे लेटा दिया मतलब लेटा क्या दिया उल्टा कर दिया वन एटी डिग्री पे ठीक है तो यहाँ पर इस वजह से ना एंटीपोर्डल ऊपर आ गई एक्सेल नीचे चली गई सिनर्जेट नीचे चली गई पोलर तो बीच में था ठीक है ऐसा हो गया सीन तो देखो जैसे ही स्पर्म आता है स्पर्म सेल्स का रिलीज होता है स्पर्म सेल्स का मतलब है मेल गमीच वो यहां से रिलीज हो रहे बच्चों देखो ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ से याद रखना माइक्रोपाइल एंड की तरफ से ही पॉलन ट्यूब क्या होती है अपने गेमिट्स को छोड़ती हैं एक और चीज़ पॉलन ट्यूब बनाने में कौन सी सेल हेल्पफुल होती है दैट इज वेजिटेटिव सेल नॉट जनरेटिव सेल ओनली वेजिटेटिव सेल ठीक है याद रखना आपको क्योंकि वेजिटेटिव सेल को ही हम ट्यूब सेल कहते हैं ये गेमिट्स आएंगे ये इसके साथ फ्यूज होगा ये इसके साथ फ्यूज होगा यहाँ पर हुआ ये एंडोस्पम्प बन गया थ्री एन और ये जयगॉट बन गया टू एन बच्चों दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन इतना इजी पीजी इससे ज़्यादा इजी मुझे लगता ही नहीं इस पूरे चैप्टर में कुछ होगा ठीक है तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है ये देखो दिस वन इज ओवेरी है ना और ये ओवेरी जो है एक्चुअली में कहाँ पे है ये है बच्चों इसमें ओव्यूल में सिंपल सी चीज़ है राइट right? ये इंटेग्यूमेंट्स है है ना दिस वन इज स्टाइल स्टिग्मा ओवेरी इस ओवेरी के अंदर यहाँ पर हमारे पास में क्या बन गया बच्चों यहाँ पर यहाँ पर तो हमारे पास बन गया है और ये है एंडोस्पम ठीक है और एंडोस्पम बन गया हमारे पास में तो अब ये जो ओवेरी होती है ना दिस ओवेरी दिस ओवेरी है ना ये ओवेरी किस में कन्वर्ट होएगी और ये जो पूरा का पूरा ओव्यूल है ये जो पूरा ओव्यूल आपको दिखाई दे रहा है सिर्फ ओव्यूल ये ओवेरी वाला पोर्शन नहीं ओव्यूल ओव्यूल विल कन्वर्ट इन टू सीड क्या बोला मैंने ओव्यूल जो होता है बच्चों यही किस में कन्वर्ट होता है सीड में कन्वर्ट होता है और ये जो ओवेरी होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी ओवेरी विल कन्वर्ट इन टू फ्रूट तो सीड एंड फ्रूट की कहानी समझ में आई सीड बना कहाँ से फ्रूट बना कहाँ से सीड कौन बनाता है ओव्यूल बनाता है फ्रूट कौन बनाता है ओवरी बनाती है दैट्स इट ठीक है और इसके अंदर इस फ्रूट के अंदर जो है ना ये ये वाला पोर्शन ये जाइगॉट जो है बच्चों ये हो जाएगा इसमें जो है ये का, क्या बनेगा एम्ब्रियो बनेगा आगे जाके है ना जाइगॉट जो होता है वो आगे जाके क्या बनेगा एम्ब्रियो बनेगा और ये एम्ब्रियो किसके अंदर है सीड के अंदर क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही तो है ना ये ओव्यूल आगे जाके सीड बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है ना और ये एंडोस्पर्म हो गया दिस इज़ एंडोस्पम ये किसी किसी में रह जाता है किसी किसी में ख़त्म हो जाता है डाइकॉट्स के अंदर पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है और मोनोकॉट्स में रह जाता है लेकिन इसके भी एग्जाम्पल्स हैं इसके भी एक्सेप्शन हैं ठीक है थीके? कि कुछ डाइकॉट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ये एंडोस्पम बचा रह जाता है और कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ये एंडोस्पम बचता नहीं है ठीक है तो ऐसा कुछ है तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे कल की क्लास में आज के लिए इतना ही आज के लिए हमने कर लिया है हमारा बच्चों सीड एंड ओवरी तक सीड एंड यहाँ तक का पूरा खेल कंप्लीट थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं है अगर आपको डबल फर्टिलाइजेशन सीखना है अच्छे से डिटेलिंग में तो आप ये लेक्चर बिल्कुल रेफर कर सकते हैं राइट अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा जिनको प्रॉब्लम आती है डबल फर्टिलाइजेशन में क्योंकि जब आप हेल्प करते हो तो आप केयर करते हो एंड दूसरों से आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं और आपका पेपर भी कहीं ना कहीं अच्छा जाएगा ठीक है अफकोर्स जाएगा ही मेहनत हम कर रहे हैं तो पेपर तो अच्छा जाना ही है अगर आपको कोई भी डाउट आया बच्चों प्लीज़ कॉमेंट बिलो लो सब कुछ समझ में आया वेरी नाइस वेरी नाइस सब कुछ समझ में आया तो भी कॉमेंट करो कि येस मैम वी हैव वी वी अंडरस्टूड इट वेल है ना सो so, यस yes, जो भी डाउट आता है कमेंट कर ली कर लीजिए आप कमेंट बिल्कुल आपके लिए कमेंट सेक्शन खाली है एंड वी आर हियर टू सॉल्व योर ऑल क्वेरीज ठीक है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही है ना सो यस चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस एंड मी योर योर बायोलॉजी एजुकेटर एकता सोनी साइनिंग ऑफ थैंक यू सो मच बाय बाय